जी आपके बीच में एक शब्द हम नहीं बोले। बोलिए बोलिए। जब दो लोग बोलते हैं तो किसी की बात सुनाई नहीं देती। आपने अपना पक्ष रख लिया, मेरी बात सुनिए। जिसने परमिशन ली उनकी तो जिम्मेदारी है ही है क्योंकि वो आयोजक हैं, लेकिन जिसने परमिशन दी है उसकी जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा है। परमिशन देने वाले को पहले सारी सर्वे करना पड़ता है, सारी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, कितने रास्ते हैं, किस रास्ते से लोग जाएंगे, किस रास्ते से आएंगे, कैसी बैठने की व्यवस्था होगी, कोई हादसा अगर हो जाए, आग लग जाए तो कितनी फायर ब्रिगेड चाहिए, कोई भगदड़ मच जाए तो कितनी एम्बुलेंस चाहिए, नजदीकी अस्पतालों में व्यवस्था कर ली जाए। क्या प्रशासन की शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसे सिंह एक फोकस किए हुए हैं केवल के आयोजकों को टांग दो। आयोजकों की गलती है, हम आयोजकों को बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन उससे बड़ी गलती प्रशासन की है जिसने परमिशन तो दे दी और आंख मूंद के बैठ गया। अगर प्रशासन ये 25% मौत है, जितनी मौतें दुखद मौतें हुई है 122-123 जितने कुछ लोग ज्यादा बता रहे हैं, इनमें 25% मौतें हादसे के स्थल पे हो गई और 75% मौतें जो हुई हैं वो प्रशासन की लापरवाही से हुई हैं। अब एक सवाल पूछ लूं आपसे, समय पर बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर उन्हें टाइम से एम्बुलेंस अस्पताल ले जाती, उनको इलाज किया जाता तो 75% लोगों को बचाया जा सकता था। उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भाटी जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछ लूं। भाटी जी आप बताएंगे, भाटी जी आप बताएंगे, आपकी सरकार थी मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड जो हुआ था प्रशासन के फेलियर के नाते हुआ था, वो आदरणीय अखिलेश जी के नाते हुआ था, आप इस बात को बताएंगे दर्शकों को? आप ये भी बताएंगे कि मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था क्या वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाते हुआ था जब सैफेमी बैठ के नाच गाना देख रहे थे, या कोई और फेलियर था? जरूर इसको स्पष्ट। भाटी साहब जल्दी से। पुरानी के किसी के पुराने अपराधों को गिनवाने से क्या वर्तमान के अपराध खत्म हो जाते हैं? फिर तो कोर्टों में सारे चोरी गवाही देने लगेंगे कि जी फला जगह भी चोरी हुई थी, फला जगह भी चोरी हुई थी, वहां भी चोरी हुई थी, इसलिए मैं भी दोषी नहीं हूँ। वर्तमान में चोरी आपने की, अपराधी आप हैं। मुजफ्फरनगर का आप बार बार जिक्र करते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे, अरे तो आप बैठ जाइए ना धरने पे, आप वहीं पे बैठ जाइए, आप मांग तो करिए, यही तो अनामिका जी पूछ रही है, यही तो प्रदेश पूछ रहा है, हर बात पे समाजवादी पार्टी धरने पे बैठने वाली आवाज उठाने वाली क्यों नहीं आवाज उठाई? आज बीच में चिल्लाने लगे। लीगल चीजों में जाऊंगी मैं आपसे, समझूंगी। इस मामले में एफआईआर हुई है, हाईकोर्ट ने मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने मामला है, लेकिन ये मांग की जा रही है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। क्या कोई आम आदमी, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, क्या कोई आगे नहीं आ पा रहा है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए? हाँ, अभी एक अपडेट जरूर मिला हमको कि पटना में एक बीजेपी नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है बाबा के नाम पर। देखिए अब क्योंकि भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई तो जीरो एफआईआर कहीं से भी लागू हो सकती है, तो पटना में किसी ने कराया है तो बिल्कुल सही कराया और उनकी एफआईआर ट्रांसफर भी होगी यहाँ आके। देखिए किसी आम आदमी को एफआईआर कराने की जरूरत ही नहीं, प्रशासन के पास ये अधिकार होता है। जो पहली एफआईआर हुई प्रशासन ने ही किया है, वो एफआईआर जो और अन्य लोगों के खिलाफ किया, तो प्रशासन खुद चाहे तो बाबा के खिलाफ एफआईआर, फिर मैं बाबा मैंने सॉरी गलत इस्तेमाल किया, उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करी जा सकती है और उसको एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं खुद परमात्मा हूँ, जो खुद को परमात्मा और परमात्मा कहलवा रहे हैं और उनकी धूल कह रहे हैं कि मेरी धूल लो और ये सब करो, तो इन ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर, हालांकि बहुत कड़े कानून जो अंधविश्वास फैलाने के मामले में अभी भारत में नहीं है, ये भी एक चर्चा का विषय है कि एक कड़े कानून इस पर भी बनने चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल सबसे पहले एफआईआर में नाम इनका नाम आप कह रहे हैं कि ऐसे बाबा जो कहते हैं मेरे चरणों की धूल लो, एपी सिंह अभी है नहीं यहाँ पर, वो बाबा का बचाव करते हुए आप बाबा के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं कहा कि मेरे चरणों की धूल लो या मेरे पैर छुओ, लोग अपने आप ही आते हैं, जबकि कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, कुछ ऐसे बयान या कुछ ऐसे सबूत भी सामने आए हैं जिसमें बाबा ने कहा है लोगों से कि आपके जितने भी जीवन में कष्ट हैं आप मेरे चरणों की धूल लीजिए, अपने माथों पे लगाइए, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं और आप कह रहे हैं कि धूल लो, तो आप लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपने नहीं कहा, एक परसेंट के लिए मैं मान लेता हूं कि आपने नहीं कहा, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपके बुलावे पे आपको सुनने के लिए अगर इतनी भीड़ आई है, तो आप अगर इस बात को कहेंगे कि नहीं मुझे भगवान मत मानो, मेरे चरणों की धूल मत लो, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, सिर्फ उसी के चरणों की धूल लेनी है, उसी को स्वीकार करना, उसी को नमस्कार करना, तो वो लोग भी मानेंगे उस बात को, क्योंकि आपको मानकर और आपको सुन के लोग आ रहे हैं,
तो आपकी बात मानेंगे, लेकिन ये इन लोग जो मैंने कहा कि सेल्फ क्लेम जो इस तरीके के लोग हो गए हैं, इन लोगों की संख्या वाकई में जो भाटी जी की बात का मैं इस बात में समर्थन, हालांकि भाटी जी के बहुत सारी बातों में समर्थन नहीं कर, लेकिन इस बात का जरूर मैं समर्थन करूंगा कि इस तरीके के सेल्फ क्लेम जो ये लोग हो गए बहुत ढेर सारे हो गए हैं और इन पे कार्रवाई, सिर्फ इन पर ही नहीं बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई, ऐसे सेल्फ क्लेम लोगों पर रतेंद्र भाटिया कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है क्योंकि ये एक मामला सामने आया, यहाँ पर हादसा हो गया, इसलिए अब इस चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन पता नहीं इतने कैसे ढोंगी बाबा कितने होंगे जो अभी पीछे होंगे या कहीं सत्संग कर रहे होंगे इस वक्त, लेकिन किसी को पता नहीं है। मैडम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस देश में सबसे आसान काम है बाबा बनना, बिल्कुल मुझे भी रौंची बाबा बना दो, सबसे बढ़िया बिजनेस है ये, इससे अच्छा तो कोई व्यापार ही नहीं है। लोगों को अपने साथ जोड़ो, बेवकूफ बनाओ, उसके बाद उनकी भावनाओं से खेलो। ना इस देश में कोई कानून है इसके रोकने के लिए, ना कोई इस देश में कोई ऐसा संस्था है जो ये फैसला कर सके कि कौन बाबा सही है कौन बाबा गलत है, किसको बाबा कहना है किसको बाबा नहीं कहना है, कौन ढोंगी है कौन नहीं ढोंगी है। जो खड़ा होता है वो 50 आदमी लेके स्टार्ट करता है, उसके बाद 500,000, 50,000 कितने आदमी उसके साथ, गरीब जनता है परखला जाती है। हर आदमी को दुख है इस देश में, हर आदमी को परेशानी है, परेशानी में आदमी किसी का सहारा, तिनके का सहारा तो फायदा उठाया जा रहा है, मान लेता है और उसी चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए के महल खड़े कर लेते हैं अपने, कोई इनको देखने वाला नहीं, इनके लिए टैक्स फ्री है, इनके लिए सारी टैक्स की माफी है, जो दान में आता है वो माफी है। मैं तो कहता हूं जितने ऐसे इंस्टीट्यूशन है इन पे टैक्स लगाना चाहिए, इनको इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, इनको ईडी के दायरे में लाना चाहिए, तभी सख्ती होगी इन पे। लाइए इनको ईडी के दायरे में, लाइए इनकम टैक्स के दायरे में इनको, जो अरबों करोड़ों रुपया हमारे देश का लोगों का चंदे के रूप में सारा पैसा तो ये लोग आधे से ज्यादा तो बाबा खा रहे हैं, बाबा लोग खाइए इनको, रोकिए, जब रोकेंगे तो अपने आप सही का साफ साफ। वरुण पुरोहित, जिस दिन यह हादसा हुआ था, जिस दिन यह हादसा हुआ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये हादसा चिंता का विषय है, इस ये जो हादसा हुआ है मृतकों के परिवारों के साथ है, हम जो लोग घायल हुए हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, ऐसी बातें ना करके केवल राजनीतिक बयान देना, प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं मैं बार बार कह रही हूँ ठीक है, लेकिन राजनीतिक बयान देना और बिना बाबा का नाम लिए राजनीतिक बयान देना कि भाई उन्होंने गिरफ्तारी कर ली, फलाने की गिरफ्तारी तो गलत हो गया, वहां पर जाकर पूछताछ कर ली तो गलत हो गया, ये बाबा का नाम लेने से क्यों बच रही है पार्टियां, ये आप लोग क्यों बच रहे हैं बाबा का नाम लेने से? नहीं हम तो नहीं बच रहे हैं, मैं तो कल भी कहा था बाबा मत बोलो, पाखंडी बोलो, ढोंगी बोलो, ऐसे लफंगों को जो समाज में कर रहे हैं असली बात, जो भाटी जी ने शुरुआत में उठाई थी सोशियोलॉजिकल कॉज क्या है कि पब्लिक इतनी हताश है, उनकी मनोदशा ऐसी कैसे हो रखी है कि वो बेचारे बाबाओं के इनके जो पाखंडियों के क्यों चले जाते हैं, इसलिए हो रही है कि उनकी कितनी दुर्दशा देश के अंदर हो रही है, तो वो इतनी दुर्दशा की मनोदशा की ऐसी हालत होने के बाद जाते हैं भाई कोई आसरा मिल जाए कोई सहारा मिल जाए, तो ऐसी वो जो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है बहुत बड़ा है, उनकी मनोदशा ऐसे क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि जो सरकारें हैं प्रशासन है वो सारा पूंजीवाद में लूट खसोट में लगा हुआ है, आम आदमी की समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं है। कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में पॉलिटिकल टूरिज्म पे गए थे, वो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अपराध होता है तो नहीं जाते हैं, तमिलनाडु में बीएसपी के अध्यक्ष की हत्या हो जाती है तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाथरस चले गए हैं वो, और पहली बार नहीं इसके पहले भी गए हैं ऐसे मामलों में, लेकिन जहां उनकी पार्टी की सरकार है या फिर उनके गठबंधन की सरकार है वहां पर नहीं जाते हैं वो। अनामिका जी मणिपुर तो प्रधानमंत्री जी जाते नहीं, राहुल जी तो वापस जा रहे हैं, गुजरात भी गए हैं, इसलिए बार बार जो वही तो सवाल पूछ रहे हैं सर, वो राहुल गांधी वही जाते हैं जहां सहूलियत होती है। अब मेरी बात तो सुन लो आप पूरी, सुन रही हूँ सर, लेकिन सवाल भी सुनिए फिर, अब मेरी सुनना नहीं चाहते तो क्या मैं क्या करूँ, सहूलियत सुन रही हूँ बोलिए, हाँ पूरी सुन तो लो मेरी, एक शब्द नहीं बोल, सेंटेंस ही पूरा नहीं करने दे रहे हो। चिन्मयानंद बलात्कार के केस वापस कोई लेगा, हाथरस में बच्ची को रात को दाह संस्कार कर देगा, थाली कटोरे बजवाएगा, ऐसी सरकार से क्या आप अपेक्षा करोगे, अनेक उदाहरण मैं गिना सकता हूँ, और हर बात राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं, जिनको तो बोले अरे भैया चर्चा कहां की हो रही, हम चर्चा कर रहे हैं क्या, राजस्थान में आपकी सरकार थी 60,000 महिलाओं पे दुष्कर्म हुआ और आपके एक मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, आज चर्चा हो रही है बाबा, बीजेपी का बाबा जो है दूसरों को बोलने जनता की आवाज़ नहीं आने देते हैं लोग।